नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और आप देख रहे हैं मेरा पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे हर एक पुराने वीडियोस पर जरूर नजर डालें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 1100 से 1200 वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पे, जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य के रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हो सकते हैं बहुत सारे वीडियोस उसमें हैं। और होम्योपैथी से रिलेटेड डीप से डीप नॉलेज तमाम वीडियोस में है। पुराने वीडियोस थोड़ा जाके देखिए ताकि प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो। और जैसे कि मैं हमेशा अभी नए मेडिसिन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, आज बात करेंगे सक्सिनम के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनका वाइटल फोर्स बहुत ही कमजोर है, सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा ये सब पकड़ लेता है तुरंत। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। तो जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सक्सिनम, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा वो तमाम चीजें मेरे इस चैनल पे, जो आपको इनोवेटिव नए नए आइडियाज देगा, नए नए रिसर्च के बारे में बताएगा आपको होम्योपैथी के बारे में, जो कि इसको एक फ्यूचर साइंस के रूप में निकालेगा। और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो नॉर्मल एलोपैथिक साइंस में क्योर नहीं हो सकती, हम उसको क्योर करके दिखाएंगे। और आने वाले दिनों में ऐसे भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता करना है। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ जिसका नाम है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो जानेंगे सक्सिनम क्या, किससे बनता है। पहले तो अंबर नाम का जो स्टोन है जिसको लोग हाथों में पहनते हैं या फिर उसको गले में पहनते हैं तरह तरह के ऑर्नामेंट्स में, तो उसको ड्राई डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है सक्सिनिक एसिड, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन रेक्टिफाइड ऑयल, उससे बनाया जाता है। तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे, ये से दवाइयां बनती है और जब प्रूविंग हुआ बहुत बढ़िया बढ़िया इसके सिम्टम सामने आया। तो बेसिकली ऑयल ऑफ सक्सिनम भी बोलते हैं सक्सिनम, ये 3200 में आपको अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगा आपको, तरह तरह के वेबसाइट में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या ऑफलाइन भी आपको मिल सकता है। तो शुरुआत में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बीमारियों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल मेडिसिन सही तरीके से काम नहीं करता या फिर थोड़ा सा काम करके रुक जाता है या फिर बार बार रिकरेंस होता रहता है, तो ये उस चीज को जड़ से खत्म करता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है स्प्लिन डिजीजेस, स्प्लिन जिसको प्लीहा, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, और वो ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होता है तो स्प्लिन में जाकर नष्ट होता है। और वो अगर बीमार पड़ गया तो आपके खून से रिलेटेड तरह तरह की बीमारियां आ सकती है, या फिर आपके शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि गड़बड़ हो सकता है, तो उसमें एनलार्जमेंट आ जाना या फिर उसमें दर्द होना, कन्वल्सन्स होना। तो स्प्लिन का जितने भी प्रॉब्लम्स है आप इसको दे सकते हैं। सियोनंथस जो मदर टिंचर है उसको भी अप्लाई किया जाता है 20 बूंदे में 2 से 3 बार, आप इसको भी दे सकते हैं 30 या 200 में, बहुत ही बढ़िया काम करता है स्प्लिन के जितने भी बीमारियां हैं। नेक्स्ट आता है हेडेक, सरदर्द में ये बहुत बढ़िया काम करता है। सरदर्द किस तरह का सरदर्द है, नर्वस हेडेक, न्यूरोलॉजिकल हेडेक हो या फिर कैटरल हेडेक बोलते हैं जिसको, सर्दी जुकाम अगर सूख गया है, बलगम सूख गया और उसके कारण आप एक्सपोजर हो गए सर्दी बरसात या फिर ठंड से एक्सपोजर हो गए, उसके बाद सरदर्द होता है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। फिर आता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, इसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके साथ साथ सर्दी जुकाम के लिए अगर आपने एलोपैथिक दवाई लेकर उसको सप्रेस कर दिया, उसके बाद जो अस्थमा होता है इसमें बहुत ही बढ़िया कारगर साबित होता है। नेक्स्ट आता है पल्पिटेशन एंड इंसोमनिया, रात रात भर नींद नहीं आता, उसको पल्पिटेशन होता रहता है, उसका दिल बहुत तेजी से धड़कता है, ऐसा लगता है घबराहट मानो में मुझे कुछ हो जाएगा, और वो इधर उधर भागता रहता है। जैसे अर्सेनिकम में आपको मिलेगा उसमें भी नींद की कमी है और वो पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें भी आपको मिलेगा आर्सेनिक और एकोनाइट की तरह पल्पिटेशन विद इंसोमनिया होता है, नींद उसको प्रॉपर तरीके से नहीं आती। नेक्स्ट आता है स्नीजिंग, स्नीजिंग बहुत जो छींक आता है, बार बार छींक आता है, जिनको क्रॉनिक टेंडेंसी होता है, थोड़ा सा भी बरसात में भीग गया या फिर उनको सर्दी पकड़ लिया, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, कोई फ्रूट्स खा लिया, तो इन तरह के जो तमाम चीजें हैं इसके कारण जिनको बराबर स्नीजिंग आती रहती है, छींक आती रहती है, और वो स्नीजिंग के साथ साथ नाक से ऐसा पानी बहता है कि पूरा लाल हो जाता है, कंटिन्यूसली वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है, जो आपको काले आवड़ में मिलेगा, एलियम सेपा में मिलेगा, तो उस तरह का चीज भी यहाँ पर है, आप इसको दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो सक्सिनम आपको वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स बहुत बढ़िया यूज होता है। नेक्स्ट आता है एक्रिल लक्रिमेशन फ्रॉम आइस, आंखों से भी एसिड की तरह पानी मिलता है जो निकलता है, उससे क्या होता है कि आंखें लाल पड़ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यूफ्रेशिया में भी मिलेगा, इसमें भी है वो तमाम चीजें जो आपको ऑल्टरनेटिव सिम्टम एलियम सेपा यूफ्रेशिया में अलग अलग होता है, इसमें दोनों चीजें आपको एक दवाई में मिलेगा।
आंखों से अगर लैक्रिमेशन होता है और वो लाल पड़ जाता है, इसका मतलब है आंखों से जो पानी बह रहा है वो एसिडिक नेचर का है, तो उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको भी दूर करता है ये। नेक्स्ट आता है इसमें बहुत ज़्यादा हिक्कफ, मतलब जो हिचकी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा जिनको कंटिन्यूसली हिचकी आती रहती है, वो बेसिकली हिचकी क्यों होता है, जो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में जो डायफ्रेगम होता है उसमें अगर स्पाज़म होता है, कन्वल्शंस होता है तो किसी कारणवश, तो ये हिचकी आती है। और कभी कभी लोगों को इस हद तक बहुत ज़्यादा हिचकी आती है कि उनको वोमिट भी हो जाता है, जो भी खाया हुआ चीज़ें वो सब निकल आता है, तो उसमें बहुत ही बढ़िया मददगार साबित होती है हिकअप के लिए और उसके साथ साथ वोमिटिंग में भी काम देता है। नेक्स्ट आता है इसको मेंटल सिम्टम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिकुलर सिम्टम है, इसको ट्रेन से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ट्रेन में जाने की बात करो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, जैसे कि एरोप्लेन में जाने से घबराहट होती है तो आप एकोनाइट दे सकते हैं, फिर अर्सेनिकम भी दे सकते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको ट्रेन में घबराहट मिलेगी। सक्सिनम बहुत बढ़िया काम करता है, यूज होता है क्लिनिकली 100% इसका एक्शन बहुत बढ़िया है। और इसको क्लोज्ड रूम, अगर किसी बंद कमरे के अंदर इसको छोड़ दिया आपने अकेले, तो बहुत घबरा जाएगा, सच में बहुत घबरा जाएगा और पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसको, तो बंद कमरे में और ट्रेन में इसको बहुत ज़्यादा भय आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है किडनी स्टोन में, किडनी और यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियों में बहुत बढ़िया असरदार है किडनी स्टोन, चाहे वो स्टोन पथरी किडनी के अंदर हो या फिर नीचे ब्लैडर में आ गया हो, यूरिनरी ब्लैडर में, तो बहुत बढ़िया काम करता है, उसको ये टुकड़े टुकड़े में करके फिर निकाल देता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर बहुत समय तक यूरिनरी ब्लैडर में या फिर किडनी के आसपास रह गया है, जो यूरेटर है उसमें रह गया है, तो कभी कभी यूरिन में खून आने लग जाता है, ऐसा आपने देखा होगा अक्सर कि लंबे समय तक अगर स्टोन बढ़ा हुआ हो तो वहां पर वो सूजन कर देता है, इन्फ्लेमेशन करके इरिटेशन करके यूरिन में खून आ जाता है, हेमाचूरिया भी बोलते हैं उसको, तो उसमें भी बहुत बढ़िया मदद करता है सक्सिनम। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल डिले एंड हैबिचुअल अबॉर्शन, खास करके फीमेल में जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड डिले हो जाता है, अभी होना हो फिर वो 5-7 दिन डिले हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, कभी भी ठीक टाइम पे नहीं आता, तो उनमें बहुत ज़्यादा असरदार साबित करता है, जैसे कि आपको ग्राफाइट इसमें मिलेगा, सेपिया में मिलेगा। नेक्स्ट इसका फीमेल में मिलेगा कि जिनका हैबिचुअल अबॉर्शन, अभी उनको खबर मिली कि बच्चा रह गया है, ठीक है, कुछ 2-3 महीने के बाद उनको ऐसा होगा कि उनका बच्चा गिर जाएगा, तो ये अबॉर्शन कंटिन्यूसली जिनका रिकरेंस वे में होता रहता है, 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यूसली उनका होता रहता है अबॉर्शन, कभी भी बच्चा उनका नहीं रहता, तो उनके लिए सक्सिनम बहुत बढ़िया मदद करता है, ये उसको जो टेंडेंसी होता है बच्चा जो गिर जाता है उस टेंडेंसी को ये दूर करता है। नेक्स्ट आता है चेस्ट पेन और हूपिंग कफ, हूपिंग कफ और कफ के डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जिनको कंटिन्यूसली जो खांसी उठाता रहता है, वो अंदर से उठता है वो खांसी कंटिन्यूसली, तो उसको बोलते हैं हूपिंग कफ, तो उसमें इतना हद तक वो खांसी होता है, इतना जोरों से होता है, इतनी तेजी से वो हवा आता है, वो खांसी होती है कि छाती में दर्द होने लगता है, जैसे आपको ब्रायोनिया में मिलेगा, काली कार में मिलेगा, स्पॉन्जिया में मिलेगा, यहाँ पर भी है, जब वो दवाइयाँ काम करना प्रॉपर तरीके से नहीं होता, काम करना बंद कर देती है, तो आप सक्सिनम दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, तो हूपिंग कफ में छाती में अगर दर्द होता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। अब ये तो रहा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो जो बीमारियां जो यूज होती है सक्सिनम, अब मैं पोटेंसी के बारे में बताता हूँ, 30, 200, 1 mg सब अवेलेबल है, नॉर्मली जैसे लेना है आपको 30 आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, ये 8-10 दिन ले लेना, फिर उसके बाद 200 दिन में 2 बार 2 दिन ले लेना, और फिर 15-20 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज ले लेना, अगर सिम्टम्स परमिट करे, अगर इनमें से 4-5 सिम्टम्स ज्यादा मैच करते हो, इंटेंसिटी इनका ज्यादा हो, तो आप ले सकते हैं सक्सिनम, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ऐसे 1-2 सिम्टम को देख के आप मत लीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा एग्रेशन हो सकता है, तो अगर 4-5 सिम्टम्स मैच करें, इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो आप लीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर मैं आता रहूँगा आपके सामने, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ जिसका नाम है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ये जो न्यू जनरेशन के न्यू मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ ज़रूर आपको पता चले, और ये दवाइयाँ आने वाले दिनों में वरदान के रूप में साबित होने वाला है और लोगों की बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।